इसमें आपकी खीर है, इसमें आपके आलू है, कितनी देर में बन जाएंगे? बहुत टेस्टी है सर। नीचे सर अगर इंडक्शन कुकर कोई हो 600 वॉट का सर, वो जितना एनर्जी लेगा उतना इक्विवेलेंट ये आपको। अच्छा सर, यही सोलर कुकर है, ठीक है, यही है। इसको बोलते हैं सर डिश टाइप सोलर कुकर। इसमें डिश टाइप सोलर कुकर, जी सर। अच्छा, लिखा भी है जी सर। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर इसकी गर्मी से प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। इस संयंत्र द्वारा एक समय में 12 से 15 व्यक्तियों का भोजन पकाया जाता है। हॉस्टल मेस, रेस्टोरेंट, कैंटीन इत्यादि में प्रयोग हेतु उपयुक्त है। भोजन पकाने हेतु किसी प्रकार के पारंपरिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। पकाया गया भोजन पौष्टिक स्वादिष्ट होता है। यह संयंत्र 600 वॉट विद्युत के समतुल्य ऊर्जा की बचत करता है। आप बताओ फिर कैसे बनाते हैं खाना ये? सर, इसमें जो इंसिडेंट रेज हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगे तभी जाके इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट होंगे सर। हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस, सो दैट ये यहाँ पड़े। ओके 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 सर, यहाँ से मतलब यहाँ रखेंगे हम खाना? जी सर, जी सर। सर ये देखिए सर, ये जो एक स्क्रू हम लगाते हैं ना, स्क्रू की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। हम ऐसा इसको प्लान करते हैं तब जो स्क्रू की परछाई नहीं पड़नी, परछाई नहीं पड़ेगी। अभी तो पड़ रही है सर, अभी पड़ी है सर। हम लोग इस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, एक जनरल लेमैन अगर इसको लेता है सो दैट वन इसको समझ जाए, तो ये इस तरीके से करना होता है कि ये अभी घटती जा रही है ना। जी सर, चली गई लेकिन ये अटक जाएगा ऐसे। सर रोकेंगे उसको हम यहाँ पे, वो है सर एडजस्टेबल है। चलो अब तो हमने मान लो देख लिया शैडो नहीं आ रही है, बस सर इसको रखते हैं। तो सारा सेंटर रिफ्लेक्शन है वो सेंटर होके, जब वो सेंटर हो जाएगा तो सारा रिफ्लेक्शन इसके बॉटम या इसके, लेकिन वो तो बार बार बदलता भी रहेगा सन। हाँ सर, उसको हमें हर दो तरीके हम करते रहेंगे। नहीं सर, लगभग 45 मिनट 30 मिनट जो है वो उसकी जरूरत नहीं है सर। अच्छा, तो ये एक तरह से तो हीटिंग के लिए यूज हो रहा है, कुकर तो लगाना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर, नॉर्मल प्रेशर कुकर रखना सर। तो इसमें हम क्या रख रहे हैं? इसमें आलू और चावल, इसमें आलू दोनों एक साथ थोड़ी बनेंगे। एक और कुकर है सर, एक और निकलवा रहे हैं, दो कुकर रखे, एक और कुकर ऐसा वाला सेम है बड़ा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है। इसमें क्या डाला पहले? देखो दिखाओ कितने आलू हैं इसमें। कच्चे आलू डाले, कच्चे आलू। पानी पर्याप्त डाला है? जी सर। कम तो नहीं है पानी? सर ज्यादा लग रहा है, कम कर दो। अच्छा ज्यादा लग रहा है, कम कर दो पानी। मुझे तो लग रहा था कम है सर, एक्चुअली इसमें वो नहीं होता। कितने सारे आलू? अच्छा ये है ना, पांच आलू। ओके, अब ये हमने इसको प्लेस कर दिया है, ये प्लेस कर दिया है। ये देखिए ना, ये सब रिफ्लेक्शंस जो है। अच्छा अच्छा, बॉटम पे सबसे ज्यादा बॉटम पे आएंगे अगर वो सेंट्रलाइज्ड है, और फिर ये बॉडी पे आएंगे। इस पे हीट पड़ रही होगी? हीट पड़ रही होगी सर। अभी 5 मिनट में आपको फील आने लगे सर। आप यहाँ पे हाथ रखे तो ये चीजें ऑलरेडी गर्म होने लगी, ऑलरेडी गर्म होने लगी सर। ये हल्का हल्का टेम्परेचर आने लगा। यस, जो हमने उत्तराखंड में बांटे ना जगह जगह, जो पहले दिखा रहे थे, जी सर, वो यही वाले हैं। जी जी, उसमें ये नॉर्मल कुकर सर along with this desk दिया जाते हैं, और एक gloves दिए जाते हैं, और bottom black painted होता है। हमने बांटा तब कितनी cost थी इनकी? $6,500 नहीं सर, टोटल कॉस्ट MRP जो हमें पड़ा सर टेंडर के बाद, हमने जो परचेज किया था 6,500 में। बेनिफिशरीज को अलग अलग, बेनिफिशरी को जो मान लो छोटा सा हॉस्टल है, करीब ₹1,000 बेनिफिशरी को देना था। और क्या था? ऐसे बताओ मुझे, बेनिफिशरी को कितने का पड़ा? 1,000 के आसपास। बेनिफिशरी को 1,000 का ही पड़ा, ₹990 इस ईयर में सर। ये 2015-16 990 का बेनिफिशरी को पड़ा। जी सर, भारत सरकार की भी सब्सिडी थी। हाँ, उसमें सर स्टेट की भी थी, स्टेट की भी थी, 3,000 स्टेट की भी सब्सिडी थी, 3,600 कुछ। एक और आ गया ना? जी सर। हाँ, ये ज्यादा, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। चलिए बैठे, इसका तो ट्रे भी बड़ी है। जी सर, फ्रेम भी सर। अब ये इसमें मैडम क्या रखा है आपने? सर ये खीर बनाया गया चावल और दूध। नहीं तो चावल डाल दिए उसमें? चावल यस सर। ओके 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 ओके, बढ़िया। चीनी डालने, चीनी मैडम डालने। अच्छा, आप उसको आप एडजस्ट करेंगे ना? ऑलरेडी परफेक्ट है सर। सर यहाँ देखिए, यहाँ पर इस समय काफी ज्यादा गर्म हो गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। मैं देख पा रहा हूँ सर, आप हाथ लगा टच करके देख लीजिए सर। हाँ, खुल रहा है, ठीक ठाक गर्म हो गया। जी सर, जी सर।
15 लोग का आप कह रहे हैं एक बार में बन सकता है ना, 15 लोग तो काफ़ी होते हैं सर। हॉस्टल अगर जो बड़े जहाँ पे ज़्यादा है या जैसे लेबर साइट पे काम करती है, ठीक है, लेबर साइट पे काम करती है वहाँ पे तो गैस वैस लाने में तो दिक्कत ही होगी, और लेबर जब काम कर रही है 7-8 घंटे तो धूप तो आ ही रही है ना, तो यूज़ नहीं कर सकते क्या? कर सकते बिल्कुल भी। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट होगी? नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं। सिर्फ ये है कि सर जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसको उल्टा करके रखना होता है, एक तो बारिश वाले तो बचाना ही होगा, बचाना पड़ेगा। और इसमें आपकी खीर है, इसमें आपके आलू है, कितनी देर में बन जाएंगे सर? करीब 45 मिनट। सीटी कितनी देर में मारेगा? बनने लगी है स्टीम सर। चलो जब तक गर्म हो रहा तब तक वाला, अब पहले आलू वाला देखो सर, ये आलू वाला इसे उठाओ यार। अभी तो बहुत गर्म होगा नहीं? आलू तो गल गए होंगे। अब निकालने से कौन निकालेगा? आप लोग निकालो पकड़ के, उधर रख लो वहाँ पर। अब रखो, अब इसको तुरंत नहीं खोल सकते ना सर, स्टीम निकाल देंगे। स्टीम निकाल तो सीटी खोलनी पड़ेगी ना, सीटी खोल देंगे। खोलो सीटी, खोलो। और ये वाले में आप करें ताकि बन गया होगा वो भी। हाँ सर, बॉईल तो हो रहा है। अच्छा, खोल के दिखा तो बॉईल हो रहा है सर, बॉईलिंग इफेक्ट तो दिख रहा है सर। ये तो गल गए, खटका आ रहा है सर। दिस सीम्स टू बी अ न्यूअर कुकर यार, ये तो पुराना लग रहा है उल्टा। पूरा उबल गया ना, उबल गया, कच्चा तो नहीं उबला सर, उबल गया सर, फूट गया है। दो तीन सीटियां आ गई थी सर उसमें। ये देखिए सर, पूरा हो गया। हां ऐसे निकालो, कड़छी में निकालो, ऐसे निकालो सर। क्या है ना फटा हुआ ये वाला, हां बहुत ज्यादा गर्म होगा ना, हाथ जल रहा है। गर्म है तो बन चुका है, ठीक है। तैयार है, तैयार है, दिखाओ प्लेट में। प्लेट में कड़छी रखो, कड़छी में प्लेट में निकाल लो थोड़ी सी। बस बस ज़्यादा नहीं, चलेगा। ये देखते हैं कितना कच्चा, कितना दिखाओ दिखाओ सब गर्म है बहुत नीचे से। एक और, अच्छा आपने इसमें से किशमिश वगैरह भी डाल दी सर। एक और ले तो प्रॉपर खीर, दो बार तो गर्म, दो बार आपने कहा था। बहुत टेस्टी है सर, नीचे से सपोर्ट और ले लें, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा बना आपने। फिर तो क्यों नहीं लोग इसको अपनाते हैं? धूप तो आ रही है। इशू वही है सर कि एक तो स्टोरेज छत पे जगह होनी चाहिए आदमी की, और फिर यार जो स्कूल वाला लगाएगा स्कूल में इतनी जगह तो होगी ना सर। स्कूल में क्या हुआ था? स्कूल में आप दे चुके हैं सर, स्कूल में दे चुके हैं उसमें सर, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिए हैं सर। उसमें सर क्या हुआ कि जैसे एक एक स्कूल में चार चार कुकर दिए गए, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल में यार, रेजिडेंशियल स्कूल में सर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ बड़े स्कूल हैं वहाँ पर ना चाहे तो सोलर की, तो उसके लिए भी अच्छा है यार, बार बार गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है दिन भर, वहाँ पे सर ये लोग गाँव वाले यूज़ कर लेते हैं ना, सिंपल इसमें रख देते हैं अपना दिन भर यूज़ करने के लिए। वो तो हो जाता है जनरली, क्योंकि उसमें टेंशन भी नहीं है इसको बार बार घुमाने की, थोड़ा गर्म ज़्यादा गर्म मैटर नहीं करता, वो यूज़ कर लेते हैं।